आज मैं आपको लैपटॉप मदरबोर्ड पर सभी कंपोनेंटों की पहचान कराऊंगा। जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, कॉयल हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, मॉस्फेट हो गया, ये सारे इनकी हम पहचान कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस की पहचान कराता हूँ। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर ब्लैक होगा। ये देख रहे होंगे आप, ब्लैक बॉडी है, बोथ साइड सिल्वर है और बोर्ड पे मार्किंग भी लिखी होती है जो कि आर लिखा होता है। ये देख रहे होंगे आप, आर लिख रहा है, तो आर मीन्स होता है रेजिस्टेंस। ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे लगे होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये हमारे चिप साइज रेजिस्टेंस है, ये बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे लग रहे हैं, ये हमारे सारे रेजिस्टेंस होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैपेसिटर। कैपेसिटर की पहचान मैं आपको कराता हूँ। कैपेसिटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, पोलराइज कैपेसिटर और नॉन पोलराइज कैपेसिटर। पोलराइज कैपेसिटर जो कि हमारा ब्लैक होगा या येलो बॉडी का भी मिल सकता है, जैसे ये इस प्रकार का मिलेगा हमारा, ये ब्लैक बॉडी है, सिल्वर लाइन है एक साइड में, ये है, ये है, और यहाँ पर हमारा लिखा होता है, आप देख रहे होंगे, ये देखिए पीसी, पोलराइज कैपेसिटर, ये हमारा पोलराइज कैपेसिटर है। पोलराइज कैपेसिटर हमारे बहुत सारे लगे होते हैं बोर्ड के अंदर, एक ये रहा, यहाँ पर है, 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 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, देखिए बहुत सारे कैपेसिटर आपको नज़र आएंगे। अब मैं आपको नॉन पोलराइज कैपेसिटर की पहचान कराता हूँ। नॉन पोलराइज कैपेसिटर हमारा ग्रे कलर का होगा, बोथ साइड सिल्वर होगा, यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर कितने सारे लगे होते हैं, बहुत सारे हैं, ये देखिए, ये छोटे वाले भी। अच्छा, इसमें भी आपका लिखा होता है, ये हमारा सी मार्किंग, जो बोर्ड मार्किंग होती है वहाँ पर सी लिखा होता है, ये देखिए सी, सी फॉर कैपेसिटर, ये हमारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉइल के बारे में। कॉइल भी हमारी मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारी प्रकार की पाई जाती है। कॉइल ये देखिए, ये हमारी कॉइल है, ये हमारी कॉइल है, यहाँ पर कॉइल है, ये कॉइल, ये कॉइल, ये कॉइल, बहुत सारी कॉइल मिलती है इसके अंदर, यही कॉइल जैसे कि आप देख रहे होंगे। और एक कॉइल हमारी ब्लैक बॉडी की भी मिलती है, जैसे कि ये रही, यहाँ पर आप देखिए ब्लैक बॉडी है, बोथ साइड सिल्वर है, ये हमारा कॉइल का ही रूप होता है। कॉइल पे जो बोर्ड मार्किंग लिखी होगी वो बोर्ड मार्किंग लिखी होगी, यहाँ पर देखिए आप पी एल, क्योंकि हमें कॉइल को जो हम डेनोट करते हैं वो एल से करते हैं। पी फॉर पावर होता है, पी हमारे सभी बोर्ड के पहले डेनोटिंग अक्षर के पहले उस पर सभी पे पी लिखा होगा, पी फॉर पावर होगा, एल फॉर कॉइल होगी, यानी पावर कॉइल। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर या हमारे मॉस्फेट जो कि बहुत सारे पाए जाते हैं, इसमें जो भी हमारा मॉस्फेट होगा तो उस पर क्यू लिखा हुआ मिलेगा, बोर्ड मार्किंग होगी हमारी क्यू, जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए, ये हमारा 8 लैक का मॉस्फेट है, फोर साइड, फोर साइड, एक साइड 4 लैक, एक साइड 4 लैक।
देखिए यहाँ पर क्यों लिखा होता है, यहाँ पर मॉस्फेटिक क्यों लिखा होता है, यहाँ पर मॉस्फेटिक क्यों लिखा हो, यहाँ पर मॉस्फेट है, ये भी हमारे मॉस्फेटिक क्यों लिखे होते हैं, ये थ्री पिन के 1 2 3, ये भी हमारे मॉस्फेट होते हैं, ये भी मॉस्फेट पाए जाते हैं सारे मॉस्फेट, बहुत सारे मॉस्फेट हमारे मदरबोर्ड के अंदर होते हैं। जो हमारी आईसीज होती है, आईसीज की बोर्ड मार्किंग जो होती है वो हमारी यू होती है। मान लो हमारी कोई आईसी है तो उस पर बोर्ड मार्किंग लिखा होगा यू, आईसी को यू से डेनोट किया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है, ये हमारी आईसी है तो यहाँ पे यू लिख रहा है, यू यानी ये हमारी यू डेनोट करता है कि ये हमारी आईसी है। आईसी का डेनोटिंग लेटर यू मिलता है सब जगह। एक मैं आपको डायोड दिखाता हूँ, डायोड भी हमारे बहुत सारे पाए जाते हैं बोर्ड के अंदर। जैसे ये रहा, आप देखते हो ये 2 लैग का डायोड है, ब्लैक है, 1 साइड लैग है एंड अदर साइड भी लैग है, और डायोड पे हमारा डी लिखा मिलता है, D4 डायोड, डायोड का डेनोटिंग लेटर डी होता है। अब ये तो मैंने आपको बोर्ड पे एक हल्की सी पहचान कराई है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पर कंपोनेंट आपको कम्प्लीटली डिटेल दूंगा, जिससे आप हमारी वीडियो देखकर बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हो।